ये देखो गाइस रावण को गोदी ले रहा है। हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल अभी हो रही शाम। गाइस अभी मैं शांश और विशाल जा रहे हैं भाई साहब रावण लेने मस्त वाला। कितना बड़ा रावण लाना है? कितना मेरे हाइट का? थोड़ा बड़ा लेके आएंगे भाई। गाइस ज्यादा बड़ा भी नहीं लेके आ सकते क्योंकि भाई वो गाड़ी में आएगा ही नहीं। पटाखे कैसे लगाएंगे? पटाखे खरीद के लाने पड़ेंगे भाई। लड़ी लगा देंगे उसमें बहुत सारी। फट फटेगा। तो अभी विशाल को बुलाते हैं और चलते हैं भाई। तो गाइस अभी पोपट हो गया है, विशाल तो भाई ट्यूशन में ही है अभी, वहाँ से उठा के लाते हैं उसको। मैं और तू ही चलते हैं भाई रावण लेने, नहीं तो अंधेरा हो जाएगा फिर। तो गाइस अभी हम धन्नों में ही जाएंगे क्योंकि भाई साहब इसके ऊपर ना रावण को बांध लेंगे भाई हम। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं गाड़ी में और इससे पहले अंधेरा हो जाए हमें जाके भाई रावण खरीदना है और सारे रावण भी दिखाएंगे। चलो तो गाइस जल्दी से चलते हैं और दिखाते हैं भाई आपको मस्त रावण। So guys, अभी हम आ गए जहाँ पे रावण मिल रहे हैं भाई साहब बहुत ही मस्त। ये देखो भाई कितने सारे रावण बने हुए हैं। So guys, अभी हम आ गए जहाँ पे रावण मिल रहे हैं, अभी कोई मस्त रावण खरीदते हैं भाई। ये देखो भाई कितने खतरनाक रावण है भाई, मगर इनकी शक्ल तो अजीब सी है भाई, पूंछ इतनी लंबी है। और ये देखो भाई ये कैसा रावण है भाई, खतरनाक वाला भाई, रावण का गोदी नहीं लेना भाई। ये देखो भाई पब्लिक खरीद के ले जाने लग रही है रावण। ये देखो भाई कितना बड़ा मुंह लोड हो रहा है, कितना छोटा सा रावण है, सस्ता रावण। ये देखो भाई ये थोड़ा मस्त सा लग रहा है, गाड़ी की छत पे आ जाएगा ये। गाइस अभी हम देख रहे हैं जो शक्ल में सुंदर होगा ना उसे लेके जाएंगे भाई, हमें चाहिए सुंदर और टिकाऊ रावण भाई। ये देखो भाई कितनी ऊपर जा रही है मूछें इसकी। तो भाई इन दुकानों पे तो मस्त रावण मिला नहीं, अभी मैं और शांश जा रहे हैं आगे वाली दुकान पे क्योंकि हमें एक मस्त सा रावण लेना है जिसकी शक्ल अच्छी हो। पापा जी जो लड़ी होगी ना उसको लगाने में ना रात ही हो जाएगी, फिर क्या करेंगे भाई, रावण रात को ही फुटाते हैं भाई। ये देखो भाई ये लग रहे हैं रावण से, इसकी मूछें देखो कितनी खतरनाक है। ये देखो भाई अब तक का सबसे खतरनाक रावण भाई, कितनी बड़ी बड़ी मूछें हैं इसकी भाई, सब भयंकर फट जाएगा भाई। ये देखो भाई कितना बड़ा फेस है भाई, साइंस से भी बड़ा। ये देखो भाई साइंस की गर्दन को खा गया रावण। ये देखो भाई इस रावण को पोलियो हो गया भाई। साइंस ये पता पतला क्यों हुआ है? क्योंकि ये दूध नहीं पीता भाई। ये देखो भाई ये रावण ना दूध नहीं पीता। साइंस इन दोनों में से बता कौन सा बढ़िया है। तो भाई ये बढ़िया लग रहा है, इसी को लेके चलते हैं भाई। पापा जी ये ले लो। ये देखो साइंस कह रहा है ये वाला ले लो भाई, गली में जगह भी होनी चाहिए चले जाने के लिए। ये देखो भाई ये भाई मिले हैं, इनकी ये शिकायत है कि इनकी गुड़िया हमारे व्लॉग देखती रहती है भाई। साइंस के सारे पटाखे वटाखे के सारे व्लॉग देखे हुए हैं, पार्क वाले झूले के भी। तो भाई साइंस तू तो फेमस हो गया भाई। तो भाई फाइनली हमने ये रावण खरीद लिया है, अभी इसे गाड़ी की छत पे बंधवा देंगे और फिर लेके चलेंगे भाई घर। उसके बाद लेके आएंगे मस्त बम और भर के उठाएंगे, गोला बम तो पूरे रावण को ही उड़ा देगा भाई। तो गाइस देखो अभी रावण हमने छत पे बांध लिया है, तो अभी लेके चलते हैं इसे घर और भाई देखता रहना पड़ेगा कहीं गिर ना जाए भाई रास्ते में ही, भाई कहीं पता लगे भाई रावण गिर गया हमारा। मस्त रावण मिल गया उनको, नहीं तो मिलता भी नहीं। चलो तो गाइस अभी जल्दी से चलते हैं और विशाल का रिएक्शन देखते हैं भाई रावण को देख के कैसा है। अब सीधे इसको फोड़ेंगे कल सुबह 9 बजे। तो गाइस अभी आ गए घर और भाई रावण को ले आए हैं, अभी विशाल को बुलाते हैं और उसका रिएक्शन देखते हैं भाई। विशाल आ गया भाई, तो टाइम पे नहीं आया, तुझे लेके चलते भाई मस्त मजा आता। तो भाई अभी इसे खोल के उतारते हैं, तेरे दोस्त की दुकान पे छोटे पटाखे मिल जाएंगे, पंगर के पूछ लूंगा। गाइस अभी तो पटाखे का खर्चा और बाकी है भाई, लड़ी लेके आनी पड़ेगी भाई कई सारी, गोदाम में तुम्हारा मारी चल रही है पटाखों की, और गोदाम में से तो मिलेंगी भी नहीं भाई, लड़ी लेके आनी पड़ेगी यहीं से ही कहीं से, क्योंकि भाई इसमें बड़े पटाखे तो डाल नहीं सकते, अगर बड़ा पटाखा डाल देंगे तो ये उड़ जाएगा भाई वैसे ही। ये देखो गाइस रावण को गोदी ले रहा है, रावण को लेके घूम गली में, मेरी इतनी बस की नहीं है, इतनी दूर इसको उठाऊं। ये देखो भाई ये रावण ना विशाल के बराबर है भाई, बिल्कुल इसकी हाइट विशाल के बराबर है, देखो बिल्कुल विशाल जैसा ही लग रहा है भाई, ये तो विशाल के भी थोड़ा सा ऊंचा है। तो गाइस अभी इस रावण को ना रखने जा रहे हैं क्योंकि भाई कल फुटाएंगे इसे, बंदी वाली फीलिंग की बारिश गोदी में लगे। ये देखो भाई अभी विशाल ना रावण को ठिकाने लगा रहा है भाई, लोकेशन बताओ कहीं बच्चे निकाल के ले जाए भाई, हो सकता बच्चे रात को ही ले जाए इसे निकाल के, जब तक लोग आएगा ना जब तक इसको फोड़ चुके होंगे हम। ये देखो भाई साइंस का नया फोन आया भाई आज फिर से, मगर सस्ता फोन आया भाई, गिरा के देखेंगे देखते कि टूटता है नहीं। तो गाइस अभी रावण तो रख दिया है, अभी जा रहे हैं भाई विशाल के दोस्त की दुकान पे क्योंकि रावण के अंदर भाई काफी पटाखे लगाने पड़ेंगे, कम से कम कितनी लड़ी लग जाएगी, 40-50 लड़ी तो होनी चाहिए भाई, तभी मजा आएगा फटने में। 40-50 लड़ी ले आएंगे छोटी छोटी, फिर मस्त मजा आएगा रावण फोड़ने में। तो चलो गाइस जल्दी से चलते हैं और मस्त पटाखे लेके आते हैं भाई।
तो गाइस अभी आ गए विशाल के दोस्त की दुकान पे और भाई साहब यहाँ पे देखो कितने मस्त मस्त पटाखे भाई। अभी लेते भाई लड़ी और भाई रावण में लगाएंगे भाई मस्त, फिर फूटेगा भयंकर। तो गाइस अभी हमने 50 लड़ी ले ली है भाई साहब मस्त वाली, इनसे तो पूरी गली में शोर हो जाएगा भाई भड़बड़। तो गाइस पटाखे तो ले लिए, अभी चलते हैं भाई घर और इनमें से ना एक लड़ी टेस्ट करके भी देखेंगे भाई कैसी चलती है। ऐसे होएगी। तो गाइस अभी इसमें से ना एक पैकेट निकाल रहे हैं, ये देखो भाई लड़ी निकाल लिए, अभी चलाते हैं भाई देखते हैं कितनी आवाज करती है ये। ये देखो भाई विशाल चला रहा है और भाई दूर भाग जाना पहले ही। रावण में तो मस्त मजा ही आ जाएगा, भाई 50 लड़ी जब लगेंगे ना तो मस्त मजा आने वाला है। तो भाई आज रामलीला का भी लास्ट दिन है तो अभी हमारा प्लान है कि हम रामलीला में जाएंगे। सो गाइस अभी 10 बज चुके हैं, अभी मैं शांश और विशाल जा रहे हैं भाई रामलीला देखने, आज तो पूरी देख के ही आएंगे। तो गाइस अभी हम आ गए जहाँ पे रामलीला हो रही है, ये देखो भाई कितनी तगड़ी भीड़ हो रही है भाई साहब। मेरे इन बहादुरों में जो बड़ा बलवान है वो आए और मेरा पांव उठाए। ये देखो भाई शांश खा रहा फूगनी, रामलीला देखने आए और फूगनी खाने लग गए भाई हम तो। भाई एक एक घंटे में एक सीन दिखाते हैं भाई। तो गाइस अभी घूम घाम के आ चुके हैं घर, होप करता हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग भाई, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर देना।